हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेरे ब्लॉग। कल के ब्लॉग में आपने देखा था होटल पे लाइट नहीं था, तो रात भर इतना ज़्यादा डर लग रहा था, पूरा रूम अंधेरा था, तो फ्लैश लाइट जला के हमने सोए। और अभी फ़िलहाल फ़ोन पे चार्ज भी नहीं है और हम लोग तैयार हैं दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए। सुबह हम लोग निकलने के टाइम उन्होंने इन्वर्टर चलाया और फोन वगैरह चार्ज में हमने डाल लिया था। कल का रात तो बहुत ही ख़राब गुजरा, बिकॉज लाइट नहीं था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन सुबह के ब्रेकफास्ट से मूड पूरा अच्छा हो गया, बिकॉज ये जो पूरी था ना, पूरा ऑयल फ्री था, बहुत ही टेस्टी बना था आलू की सब्ज़ी। और रात भर फ़ोन फ्लैश जलने के बाद फ़ोन पे चार्ज भी नहीं था, तो सुबह सुबह फ़ोन चार्ज भी हो चुका है और मैं तैयार हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसा भी था, एवरेज था कल का दिन, आई थिंक कल का शाम बोल सकते हैं, बिकॉज सुबह से तो बहुत ही अच्छा था, रात के टाइम पे थोड़ा सा उलट पुलट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह हमारा चेकआउट हो चुका है इस होटल से, जिसका नाम था ड्रैगन। और एक्चुअली हम लोग अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं दूसरे जगह के लिए और हम लोग आज जा रहे हैं जुलुक पे, तो वहाँ का भी नज़ारा मैं ज़रूर दिखाऊँगी, तो आप देखते रहिए और हमारे साथ रहिएगा। जाते टाइम मेरी मम्मी ने कुछ तो इन्वेंट किया है, तो ये जो पूरा पत्थर है, पूरा पहाड़ में जो पत्थर लगा है, उसमें से ना ऑर्गेनिक ग्लिटर निकल रहा था, तो बहुत ही प्यारा कलर आ रहा था, सिल्वर कलर में। और मम्मी ने देखा तो मुझे बोल रही थी, आओ मैं लगा देती हूँ आइस पे, ये नेचुरल है, कोई भी खराबी चीज़ नहीं है। तो बहुत ही प्यारा कलर था इसका और पूरा ऑर्गेनिक है, और ये पत्थर में कोई भी खराबी तो मुझे नहीं दिखा, और पूरा इसके जो ग्लिटर है ना, प्रोमिनेंट था। শোনো মা, সে শাড়ু কি লাগাচ্ছিল কি লাগাচ্ছিল হ্যাঁ 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 কি লাগাচ্ছিল কি লাগা অবড়ো কি লাগাচ্ছিল হ্যাঁ এই যে এটা কি বলো এটা কি বলো হ্যাঁ কি এটা অবড়ো অবড়ো खैर हम लोग निकल चुके हैं हमारा दूसरे लोकेशन के लिए, जो है जुलुक। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मुझे
जो वेदर रिपोर्ट है वहाँ से पता चला, और वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा वेदर है क्या नहीं। यहाँ पे जो भी वेदर था प्यारा वेदर था, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। और कुछ दिनों बाद जब बर्फ़ गिरने लग जाते हैं वहाँ का लोकेशन बंद ही कर देते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा बर्फ़ गिरने के कारण कोई भी नहीं जाता है, इवन गाड़ी भी नहीं चल रहा है। तो कुछ दिन तक ये खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आज हम लोग जा रहे हैं जुलुक पे, और वहाँ पे आज हम लोग फ़िलहाल जब से आए हैं 21 तारीख से हमने जो जर्नी है स्टार्ट किया है। ट्रेन में गुजरा आई थिंक 22 तारीख हम लोग 4-5 घंटे ट्रैवल करके पहुँचे थे इच्छे गाँव पे, और वहाँ से फ़िलहाल एक दिन के बाद हम लोग गए थे अड़ीतार पे। उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं जुलुक पे। हर जगह पे एक ही दिन हम लोग स्टे कर रहे हैं। कल 2 जगह पे हमें जाना है और वहाँ पे हम लोग 2 दिन रुकेंगे। 2 या 3 जगह पे हमें ट्रैवल करना है और 2-3 स्पॉट या 4-5 मुझे अभी तक पता नहीं है कंफर्म कितने सारे स्पॉट दिखाएंगे ड्राइवर, और उनके अकॉर्डिंग हम लोग कल 2 दिन वहाँ पर रहेंगे। अनुषा मेरे पास सो रही है फ़िलहाल, और सभी लोग बाहर गए हैं कुछ ना कुछ सामान खरीदने, बिकॉज ये पर्टिकुलर मार्केट है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये पर्टिकुलर मार्केट है जहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो अगर ऊपर चले जाए पहाड़ के वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलर हमने इस जगह को चुना है कुछ भी लेने के लिए। ड्राइवर ने बोला है कि अगर कुछ चाहिए यहाँ से ले लीजिए, नहीं तो आपको बाद में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फ़िलहाल अनुषा के पापा गए हैं फ़िलहाल कुछ मेडिसिन ले लें, लेकिन उन्होंने कॉल करके कहा है कि जो मेडिसिन वो लेते हैं वो नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको ध्यान में रख के कुछ डिफरेंट दवाई ले लिया है। और अनुषा के पापा को चाहिए एक कैप, जो हम लोग वहाँ से लाना भूल गए, मेरे लिए है, और ठंड के जो भी कपड़े हैं सब कुछ है इनफ, लेकिन टोपी नहीं है, वही खरीदने गए हैं। तो सभी लोग यहाँ पर ही थे, अभी फ़िलहाल सभी लोग बिछड़ गए हैं, कहीं ना कहीं पे हैं। अनुषा मेरे साथ सो रही है, अनुषा सो रही है, इसी वजह से मैं नहीं बाहर जा पाई। तो जो भी होता है मैं आप सभी को इन्फॉर्म करती जाऊँगी, और आप देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। कल है जामाई षष्ठी, और बंगाली में इसे बहुत मायने देते हैं इस रिचुअल को। रिचुअल तो नहीं, सेलिब्रेट करते हैं हर एक मदर इन लॉ अपने जो दामाद होते हैं उनके लिए, उनको खाना वगैरह देते हैं, बहुत सारे नियम है करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता वो सब नियम कर पाएंगे। लेकिन खाना वगैरह जो भी है बोलते हैं जितने सारे आप चाहे पकवान दे सकते हैं अपने दामाद को। एक ही दिन बहुत अच्छी तरीके से खिलाते हैं अपने दामाद को, प्यार देते हैं। और अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, आप गूगल पे या यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। और पर्टिकुलर हम लोग इसी वजह से भी यहाँ पे आए हैं, घूमने के लिए भी आए हैं, और अनुषा के पापा को ले आने का रीज़न भी यही है। तो फ़िलहाल हम लोग उसी वजह से कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। कल जमाई षष्ठी कैसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे सब आपके सामने शेयर करूँगी, आप देखते रहिएगा। फ़िलहाल अनुषा के पापा गए हैं मिठाई भी लेने के लिए कल के लिए, तो सब कुछ आपके सामने शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज जा रहे हैं जुलुक पे, वहाँ पे एक दिन स्टे करेंगे, उसके बाद कल है जमाई षष्ठी, कल कहाँ जाते हैं क्या नहीं सब आपको अपडेट करूँगी, तो देखते रहिए। ये वाला मार्केट है, सभी लोग यहाँ से ही शॉपिंग कर रहे हैं, और ये पार्किंग एरिया है। अनुषा सो रही है, मैं दूर दूर तक किसी को भी नहीं देख पा रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। हाँ, वहाँ पे मेरी मम्मी है, पिंक कलर में सूट में है, दूर में, तो वहाँ पे है। मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला, ये वाला पिंक कलर में जो है ये है, और शायद पीछे मेरा भाई होगा, और वो लोग सॉक्स भी लेने गए हैं, तो सॉक्स भी नहीं है उनके पास, तो जो भी सामान है यहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो सभी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ अनुषा के वजह से, बिकॉज अगर मैं अभी उसको उठा दूँ ना तो वो नहीं सोएगी और पूरा रास्ता रोती जाएगी, और हर टाइम ना फीडिंग करवाना पॉसिबल नहीं है हर जगह पे, इसी वजह से मैं नहीं उठा रही उसको। और ये रहा मेरे पापा, हे नी
श्री कृष्ण गोविंद करो नाथ नारायण वासुदेवा तो शॉपिंग वगैरह जो भी है सब कुछ हो चुका है। अनुषा के पापा ने मिठाई लिया है, लेकिन मिठाई का जो लुक है मुझे ज़्यादा पसंद आया है, बिकॉज़ मुझे पता है कोलकाता के स्वीट्स है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। फ़िलहाल यहाँ पे जो भी मिला है हमने ले लिया है, और कुछ कुछ सामान था सब ने ले लिया है। तो कल के जमाई षष्ठी के ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे हमने कैसे सेलिब्रेट किया है। लेकिन सच बताऊँ तो जिस तरीके से हम लोग कोलकाता में सेलिब्रेट करते हैं वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जितना भी हुआ है सब कुछ मैं दिखाऊंगी। सो जाते जाते यहाँ पे अनुषा को चॉकलेट ड्रिंक्स बहुत कुछ मिल चुका है। ऑलमोस्ट अभी बाकी है शायद आधा घंटे, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे जुलुक पे। सो हमारे जर्नी में सिक्किम का दिस इज़ आवर फर्स्ट वाटरफॉल जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये लोकेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ शॉर्ट वीडियोज़ क्लिक किए और अपलोड भी मैं कर चुकी हूँ आधा आधा जितना भी मैंने से हो पाया है। और दार्जिलिंग में अगर आप जाओ तो हर एक रास्ते पे आपको वाटरफॉल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट और शायद लास्ट ही बोल सकते हैं एक ही वाटरफॉल मुझे मिला है। खैर एक ही वाटरफॉल है लेकिन मुझे बहुत पसंद आया है। अनुषा के लिए ये सब कुछ फर्स्ट टाइम है। अनुषा तो बार बार देख के बोल रही थी कि देखो कितने सारे पानी है। খালি পায়ে আসলে ওখানে দাঁড়াতে পারতাম। আসবো মেয়েকে ওখানটায় যদি বসিয়ে দিই ভালো, এই এই পাথরটার উপরে মেয়েকে বসিয়ে দিয়ে ভালো হবে। सो यहाँ पे आके हमने मोमोज ट्राई किए, लेकिन मोमोज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। कल के मोमो जो भी था ना, तो हमने आधा खाए और आधा हमने फेंक दिया था, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब था कि टेस्ट करने के बाद मन ही नहीं कर रहा था खाने का, और मुझे वेस्ट भी नहीं करना था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मोमो था इतना ज़्यादा टेस्टी था, तो मैंने शायद 4 या 5 खाए होंगे। अनुषा के पापा ने भी ट्राई किया, उन्होंने भी कहा बहुत टेस्टी था। सो पेट पूजा करके हम लोग निकल चुके हैं हमारा नेक्स्ट लोकेशन के लिए जो है जुलुक, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मुझे और अनुषा के पापा को दोनों को ही मन था यहाँ का जो ऑथेंटिक फूड है और जो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ का फूड वो ट्राई करने के लिए, लेकिन वैसा टाइम ही नहीं आया कि हम लोग टेस्ट कर पाए। बस हमने मोमोज ही ट्राई किया था, बट मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये रहा आज का कुछ फ़ोटोज़ जो शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन माई नेक्स्ट ब्लॉग।
होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड प्लीज डू सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।